नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के खास 100 खबरनामे में। मैं हूं निशांत गुप्ता। और मैं प्रियांशु मिश्रा। आज के खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। लाखों की धोखाधड़ी में बिल्डर को पकड़ ले गई मुंबई पुलिस। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। अखिलेश यादव ने कहा कार्यवाहक डीजीपी नहीं, प्रदेश के मुखिया है कार्यवाहक। कार्यवाहक डीजीपी को लेकर अखिलेश के बयान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। 4 जून को सीतापुर शहर में बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति, होगा मरम्मत का कार्य। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्त करेगा 225 पैरा लीगल वॉलंटियर। लखीमपुर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, कटघरे में रिजर्व प्रबंधक। अपराधों पर लगाम कसने को लेकर यूपी पुलिस 1 जून से हर घर कैमरा योजना शुरू करेगी। इसके लिए पुलिस ग्राम प्रधान, निकाय क्षेत्र में संबंधित पार्षद, सभासद और जनता को जोड़ेगी। पुलिस इन लोगों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रेरित करेगी और कैमरा लगवा लेंगे उन्हें सम्मान भी करेगी। यूपी में नवनिर्वाचित मेयर और निकाय अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह आयोजन 1 जून को राजधानी में होगा। प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में नगर निकायों के विकास पर जानकारी देते हुए नगरीय स्वशासन के संवैधानिक प्राविधानों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी लखनऊ पहुंची मुंबई की ठाणे पुलिस ने एक बिल्डर को गिरफ्तार किया है। इस बिल्डर का नाम सौरभ मिश्रा बताया गया है। मुंबई पुलिस ने यह कार्रवाई लखनऊ की गुडम्बा पुलिस के साथ मिलकर की। मामला निर्माण के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी किए जाने का है, जिसे लेकर एक पीड़ित ने मुंबई के ठाणे थाने में सौरभ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। ठाणे पुलिस ने सौरभ को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई को रवाना हो गए। एडीजी रेलवे जयंत सिंह के निर्देशन में पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचकर उनके पास से भारी मात्रा में सोना बरामद किया है। पकड़े गए तस्करों के नाम अमित वर्मा और नेहा वर्मा बताए गए। गोरखपुर के रेल स्टेशन परिसर स्थित पार्सर कार्यालय के पास से दोनों को पकड़कर तलाशी ली गई तो उनके पास से सोने के 17 बिस्किट बरामद हुए, जिनका वजन लगभग 2 किलो 100 ग्राम और कीमत करीब 1,26,00,000 बताई जा रही। सोने के यह बिस्किट पश्चिम बंगाल से तस्करी करके देवरिया लाई जा रही थी। पकड़े गए महिला पुरुष सदर कोतवाली की गायत्री पुरवम निवासी। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे फरुखाबाद के पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को एक और मामले में सजा सुनाई गई। यह मामला फतेहगढ़ के सिविल लाइन निवासी सिपाही विजेंद्र तोमर की खुदकुशी के लिए उकसाने से जुड़ा हुआ है। MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सिपाही से उसके पुत्र की नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये हड़प लेने के आरोप में पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने विजय सिंह को 3 साल की कैद और 8,00,000 के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने जुर्माने की राशि वसूल होने पर 7,50,000 रुपये सिपाही के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया है। पूर्व विधायक को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई है। दिल्ली के जंतर मंतर से हटाए जाने और दिल्ली पुलिस की जांच में पाक्सो का मामला झूठा निकलने के बाद अब रेसलर्स का आंदोलन फिलहाल थमता नजर आ रहा है। मोदी और भाजपा विरोधियों को यह रास नहीं आ रहा, लिहाजा कहीं हाजिरी देकर तो कहीं ट्वीट के जरिए पहलवानों के साथ खड़ा दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने रेसलर्स द्वारा मेडल गंगा में बहाने की घोषणा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पूरा देश स्तब्ध है और पूरे देश की आंखों में आंसू हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के पंजाब CM भगवंत कहां पीछे रहने वाले थे। मान ने भी ट्वीट किया, हमारे खिलाड़ी केंद्र सरकार से दुखी, पदक गंगा में बहाने को मजबूर, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक, समय रहते आवाज उठाना बहुत जरूरी, नहीं तो अगली बार लोकतंत्र की अस्थियां बहानी होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से 2 ट्वीट आने के बाद कांग्रेस कहां खामोश रहने वाली थी, लिहाजा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर डाला। खड़गे ने लिखा, भारत की बेटियां कह रही हैं पुलिस और तंत्र अब पवित्र नहीं रहा, पिछले दिनों में बेटियों के साथ क्या हुआ सबने देखा। मोदी जी महिला सम्मान का लंबा लेक्चर देते हैं पर यौन शोषण के आरोपी को पूरा संरक्षण है, आखिर क्या जिद है, बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता, क्यों बेटियों को कटघरे में ही खड़ा किया गया।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय सहायता योजना में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन देने की अंतिम तिथि 15 जून है। आवेदकों को उनकी पात्रता अनुसार इन दोनों योजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीतापुर के उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सराय मलहुई स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। यूपी के देवरिया जिले में तैनात जल निगम के मुख्य अभियंता अरुण कुमार को शासन ने निलंबित कर दिया है। उनके ऊपर सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने सहित कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। निलंबित अभियंता अरुण कुमार पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रयागराज क्षेत्र के मुख्य अभियंता को जांच अधिकारी बनाया गया है। संस्कृत भारती अवध प्रांत द्वारा अयोध्या में 12 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग 1 जून से आयोजित किया जाएगा, जो 12 जून तक चलेगा। इसका स्थान श्री परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय विद्याकुंड अयोध्या रखा गया है। इस कार्यक्रम में अवध प्रांत के 13 जनपदों से चयनित 130 प्रशिक्षु शामिल होंगे। संस्कृत भारती अवध प्रांत के मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अवध प्रांत द्वारा वर्ष में 2 बार यह आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में यह वर्ग इस बार अयोध्या में आयोजित हो रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के सिंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दे डाला। यह याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई थी। याचिका में मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी के अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज करने के बाद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। न्यायमूर्ति जे मुनीर की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर डाला। सहायक अभियोजना अधिकारी यानी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 12 जून से शुरू होंगे और लगातार 5 दिन चलने के बाद 16 जून को समाप्त होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे लेकर कार्यक्रम तय कर दिया है। यूपी के डीएलएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू होगी। इसे लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जून है। 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किया जा सकेगा। इसके बाद 30 जून को आवेदन का प्रिंटआउट लेने की अंतिम तारीख निर्धारित कर दी गई है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण कराया जाएगा। 60 करोड़ की लागत से बनने वाला यह म्यूजियम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगा। इसी के साथ महाकुंभ के मद्देनजर नागरिक सुविधाओं सहित अन्य पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाजपा पर हमलों की धार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में मैनपुरी के एक निजी कार्यक्रम में वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के माध्यम से निकाय चुनाव का परिणाम बदला गया है। चंदौसी का उदाहरण है, जहां प्रशासक और पुलिस को किन्नरों ने दौड़ाया और परिणाम उनके पक्ष में करना पड़ा। किन्नर समाज ने लड़कर अपना परिणाम लिया। वह दिन दूर नहीं जब यही जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। यूपी के नई डीजीपी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक है। कार्यवाहक डीजीपी को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सपा के शासन में बेटियां 5 बजे घर से नहीं निकल पाती थी, आज रात 12 बजे भी बेटी उन्नाव से लखनऊ जा सकती है। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में राज्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है। अपने सफाई आवास पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने श्रीमती मूर्ति देवी कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान कक्षा 10 की छात्रा महिमा और छात्र सुशांत के साथ कक्षा 12 की छात्रा अनामिका को अखिलेश यादव ने लैपटॉप देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर पूर्व चेतावनी के समान है कि 4 जून को लगभग पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने इसके लिए उपकरणों की मरम्मत किए जाने का कारण बताया है।
विद्युत परिषद खंड के अधिशासी अभियंता डीसी दीक्षित ने बताया कि 220 केवी सब स्टेशन हुसैनगंज पर मरम्मत कार्य के लिए 4 जून को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डाक कैनाल, हॉस्पिटल, न्यू सिटी, सीतापुर तहसील, नेपालापुर, सेठिया ऑयल मिल, खैराबाद में स्थित 33 केवी पावर हाउसों से संबंधित क्षेत्रों की आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। इसी मरम्मत कार्य के चलते 4 जून को 11 बजे से 12:30 बजे तक पुराना सीतापुर, कोट, भवानीपुर सिटी और हुसैनगंज स्थित 33 केवी पावर हाउसों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। सीतापुर जिले के दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है कि उनके अपने ब्लॉक में दिव्यांगता परीक्षण और चिन्हांकन के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी अनु सिंह ने कैंपों के आयोजन की तारीखें तय कर दी हैं। इसके अनुसार ब्लॉक खैराबाद पर 5 जून, ब्लॉक लहरपुर में 6 जून, ब्लॉक हरगांव में 7 जून, ब्लॉक पहला में 8 जून, ब्लॉक गोंदड़ामो में 9 जून, ब्लॉक महमूदाबाद में 12 जून, ब्लॉक परसेंडी में 13 जून, ब्लॉक मिश्रिक में 14 जून, ब्लॉक सिधौली में 15 जून, ब्लॉक बैठा में 16 जून, ब्लॉक सकरन में 17 जून, ब्लॉक रेवसा में 19 जून, ब्लॉक बिसवा में 20 जून, ब्लॉक कसमंडा में 21 जून, ब्लॉक मछलेटा में 22 जून, ब्लॉक एलिया में 23 जून, ब्लॉक मोहल्ली में 24 जून, ब्लॉक पिसावा में 26 जून और ब्लॉक रामपुर मथुरा में 27 जून को इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा चलाई जा रही पीएलवी यानी पैरा लीगल वॉलंटियर योजना के अनुसार सीतापुर जिला मुख्यालय पर 50 और जिले के सभी तहसीलों पर 25-25 पैरा लीगल वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय द्वारा जारी सूचना के अनुसार इन नियुक्तियों के लिए सीतापुर जिले के निवासी, विशेष प्रतिभावान खिलाड़ी, विशिष्ट कलाकार, वह व्यक्ति जिसने कभी किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल प्रदर्शित किया हो, सेवारत या अवकाश प्राप्त शिक्षक, रिटायर्ड कर्मचारी, MSW, छात्र या शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, विधि छात्र, NGO कार्यकर्ता, स्वयं सहायता ग्रुप के कर्मचारी तथा शिक्षित व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र सूचना जारी होने की तिथि से 17 जून तक प्राप्त किए जा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 1 जून को 11 बजे जीके ग्रैंड में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय यादव, जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सीतापुर सांसद राजेश वर्मा योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा पतारा कला में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन गणेश जी मंदिर पर किया गया। यह आयोजन सरोजनी तिवारी पत्नी शंभु तिवारी द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के कथाव्यास लखनऊ के पंडित राकेश पांडे रहे। इस मौके पर तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम सभा पतारा कला निवासी ज्ञानेंद्र धनगर के नेतृत्व में माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह भी पहुंचे। कार्यक्रम में राहुल सिंह चौहान, आशीष प्रताप सिंह, अनिल पाल और संजय पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 31 मई के दिन पुलिस विभाग में सेवा काल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए निरीक्षक शैलेंद्र द्विवेदी और उप निरीक्षक कुलदीप सिंह चौहान को विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस लाइन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। SP घुले सुशील चंद्रभान ने दोनों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान RI राजकुमार यादव सहित सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन भी मौजूद रहे। अमर वीरांगना राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सीतापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर में स्थापित राजमाता की प्रतिमा पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई के कृतित्व पर सांसद ने अपने विचार व्यक्त किए। किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों की समस्याओं के निस्तारण हेतु बुधवार को लहरपुर ब्लॉक के ग्राम नवापुर, पूरनपुर, पांडे सराय, हटिया ऊपरी, रंगवा, रौसीपुर में शिविर आयोजित किए गए। विषय वस्तु विशेषज्ञ नेत्रपाल ने बताया कि बुधवार को कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह कार्यक्रम 16 जून तक चलेगा। सीतापुर की खैराबाद नगर पालिका की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन बेबी गुप्ता ने की। इस दौरान कई प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने किया। बैठक में प्रकाश, साफ सफाई, पेयजल, नागरिकों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, बंद दाखिल खारिज पुनः शुरू किए जाने आदि कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के दौरान पटरी दुकानदारों को जरूरत के हिसाब से किट प्रदान की गई। बैठक में सभी 25 वार्ड सदस्यगण मौजूद रहे। सीतापुर जिले के लिए गौरव की बात है कि अपनी अपनी ग्राम सभा में सराहनीय कार्य करने के लिए जिले की 2 महिला ग्राम प्रधानों को राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा।
उन्हें यह सम्मान मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिया जाएगा। यह कार्यक्रम राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 जून को आयोजित किया जाएगा। इन दो महिला प्रधानों ने एलिया ब्लॉक अंतर्गत भेलावा कला की प्रधान आरती पत्नी रामशंकर वाजपेयी ने जिले पर पहली रैंक प्राप्त की है। वहीं दूसरा नाम जिले पर दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली मिश्रिक ब्लॉक अंतर्गत बर्मी प्रधान आरती पत्नी विनोद कुमार का है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत पर वन अधिकारियों ने जिस गोपनीयता के साथ बाघ के शव का पीएम कराकर शव का दाह संस्कार कर दिया, वह इस टाइगर रिजर्व के समूचे प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि कहीं इस बाघ की जान शिकारियों ने या ग्रामीणों के आक्रोश ने तो नहीं ली, जिसे छिपाने के लिए वन विभाग के अफसरों ने इतनी फुर्ती और गोपनीयता दिखाई। बताते चले कि बाघ का यह शव रिजर्व के बफर जोन में लठौड़ा जंगल में पड़ा देखा गया था। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और निघासन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे वन अफसरों ने घटनास्थल को आने जाने वाले मार्गों को बंद करा दिया। यही नहीं, मातहत कर्मचारियों को भी किसी से मोबाइल पर बात करने या फोटो खींचने से साफ मना कर दिया गया। लखीमपुर पहुंचे यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, सदर विधायक योगेश वर्मा, कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, पलिया विधायक रोमी साहनी, निघासन विधायक शशांक वर्मा, गोला विधायक अमन गिरी, धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, मोमदी विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, एमएलसी अनु गुप्ता सहित जिले के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। बताया गया कि जिले की अहम सड़क लखीमपुर देवकली अलीगंज मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण किया जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि सभी निर्माण कार्य समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे होंगे, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लखीमपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो ने प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रदर्शन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया। जिला युवा अधिकारी विकास सिंह ने कहा कि इस युवा उत्सव में राष्ट्रीय एकता व एकजुटता का संदेश देने के लिए पेंटिंग, कविता लेखन, फोटोग्राफी, भाषण, युवा संवाद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनके विजेताओं को नेहरू युवा केंद्र द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। युग चेतना विस्तार केंद्र मितौली में गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ब्लॉक के समस्त कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। मुख्य यजमान के रूप में लाल बहादुर सिंह सेंगर ने कलश पूजन, लालजी प्रसाद वर्मा ने परम पूज्य गुरुदेव तथा परम वंदनीय माताजी एवं कामता प्रसाद मौर्य ने गायत्री पूजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी निष्ठावान साधकों ने सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आहुतियां प्रदान की, साथ ही नामकरण संस्कार भी संपन्न हुआ। अमरपाल ने आए हुए श्रोताओं को गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा का महत्व समझाया। जगदम्बा प्रसाद अंकित ने प्रेरणा प्रद वंदना का गायन किया। कार्यक्रम में मोहन लाल पाल, ठाकुर प्रसाद पाल, द्वारिका प्रसाद वर्मा, राजकुमार गुप्ता, रामबरन वर्मा, द्वारिका प्रसाद पाल, सुभाष चंद वर्मा, गोपी चंद वर्मा, रामपाल वर्मा, सत्यवती मौर्य, कीर्ति मौर्य, मीनाक्षी सिंह चौहान, डॉक्टर हरवंत सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमें खाना चाहिए तंबाकू नहीं की थीम पर जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में MCH विंग्स जिला चिकित्सालय में भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने शिरकत किया। इस दौरान CMS MCH विंग डॉक्टर AC श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को इस दौरान तंबाकू छोड़ने की शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने उपस्थित लोगों को बीच जाकर उन्हें तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान पर जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि तमाम तंबाकू उत्पाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार जानलेवा बीमारी, कैंसर आदि का मौत का भी कारण बनती हैं। पैरालिसिस, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा सहित तमाम बीमारियों का भी कारण तंबाकू उत्पाद है। विज्ञापन के प्रलोभन से बचने की सलाह उन्होंने दी। इसके बाद उनके द्वारा उपस्थित जनसमूह को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में NCD सेल की ओर से डॉक्टर RK गुप्ता, FLC विजय वर्मा सहित जिला चिकित्सालय से काउंसलर देवनंदन श्रीवास्तव, नैदानिक मनोवैज्ञानिक स्तुति कक्कड़, साइकेट्रिक नर्स विवेक मित्तल, सरिता सिंह, हेल्प टेस्ट से मैनेजर सुरेंद्र कश्यप, पंकज शुक्ला, बसंत गुप्ता, विवेक तिवारी आदि अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।